Hello students, welcome to the official YouTube channel of Origin Coaching. Today's our topic is 12th Mathematics Relation. देखिए relation का हमारा जो chapter है बहुत important है और इससे पहले कि मैं आपसे relation पर topic पर बात करूं, आप थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए. Relation को समझने के लिए आपको सबसे पहले आपका 11th class का जो set theory था और रिलेशन था उसको एक बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, या फिर मेरे 11th क्लास के वीडियो में जो मैंने सेट थ्योरी पढ़ाया है वो एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट उससे रिलेटेड है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रिलेशन एक अलग तरह का मैथमेटिक्स है, यह कंप्लीटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. तो आज का मेरा जो सेशन है उसमें कंप्लीट मैं आपको रिलेशन से रिलेटेड टोटल फंडामेंटल बताऊँगा, टोटल आपको मेथड एक्सप्लेन करूँगा और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए आपको मेरे को नेक्स्ट सेशन का वीडियो कंसल्ट करना पड़ेगा. क्लियर? तो अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन. व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन हम अपने कॉमन लाइफ में, हम अपनी आम जिंदगी में रिलेशन का मतलब तो समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं संबंध. कोई हमारे कोई मम्मी है, कोई पापा है, कोई भाई है, ऐसे हमारे बहुत से रिलेशन हैं सोसाइटी में. एग्जैक्टली उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशन होते हैं. तो वो रिलेशन ये रिलेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. रिलेशन का मतलब रिलेशन ही है. जैसे हमारी आम जिंदगी में रिलेशन होते हैं वैसे मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं. आप एकदम कॉमन लैंग्वेज में आज इस मैथमेटिक्स को समझिए, अदरवाइज मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स रिलेशन के चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करते हैं और उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले आप रिलेशन के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करिए, फिर इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है तो बहुत आसान है. लगभग सभी क्वेश्चन सिमिलर टाइप से बनते हैं. प्रॉब्लम यह है कि हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि क्वेश्चन में करना क्या है. इसलिए मैं अगेन एंड अगेन आपको एक ही बात बोल रहा हूँ कि आप टोटल फोकस करिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर, और आज का मेरा सेशन सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. इससे पहले कि मैं आपको रिलेशन बताऊँ, थोड़ा सा सेट थ्योरी का जो मुझे ज़रूरत है इस चैप्टर में वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सेट. सेट का प्रोडक्ट, ये 11 का टॉपिक है लेकिन मैं यहाँ पर एक बार रिवाइज कराता हूँ आपको. सपोज वी हैव टू सेट्स, सपोज ए इज 1, 2 एंड 3 एंड बी इज अनदर सेट, सपोज ए बी सी. ये टू सेट हैं. अब ये दोनों सेट का क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट करना है. दैट मीन्स ए क्रॉस बी, ये आपको मालूम है लेकिन मैं रिवाइज करूँ क्योंकि मुझे उसका रिलेशन में बहुत ज़रूरत है. तो ए और बी का यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो किस तरह से इसके आर्डर पेयर बनते हैं, देखिए. पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इंडिविजुअल सभी एलिमेंट के साथ में आर्डर पेयर बनाएगा. दैट मीन्स 1A 1B 1C एंड आफ्टर दैट 2 2A 2B 2C एंड देन C 3A 3B 3C. ये होंगे ए क्रॉस बी, ए के साथ बी का मल्टीप्लीकेशन. सपोज हम इसको बी के साथ में ए को मल्टीप्लाई करना चाहें तो बी का जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी के एलिमेंट्स इसके साथ में ऑर्डर पेयर बनाएंगे. तो ए का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 के साथ में, ये हो जाएगा A1 A2 A3. सिमिलरली B का बनेगा B1 B2 B3 एंड सिमिलरली C1 C2 एंड C3. इस तरह से प्रोडक्ट होता है. ये सेट थ्योरी का प्रोडक्ट है. अब इसको मैं आपको क्यों बताया आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा,
तो ये मैंने आपको थोड़ी बात, वैसे आपको 11th क्लास का पूरा सेट थोड़ी रिवाइज करना चाहिए, रिलेशन भी रिवाइज करना चाहिए, क्लियर। तो ये इस तरह से हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट रिलेशन, अब हम रिलेशन पर डिस्कस करते। देखिए रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन, हम रिलेशन किसको कहेंगे, रिलेशन का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन। यहां पर आप सपोज करते हैं कि सपोज ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। सपोज हमारे पास ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, देन इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यहां पर आप ध्यान देंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नॉट बी टू ए, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज आर। सपोज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज आर, ए से बी में एक रिलेशन आर है, सच दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, कि जो रिलेशन होगा, रिलेशन के जो सेट होंगे वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। दैट मीन्स जब सेट ए और सेट बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज आर सच दैट आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर। इस तरह से क्या होता है, ए को बी का हम ए से बी में आर को एक रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज ए इक्वल टू, एक सेट मैंने कंसिडर किया सपोज 1 2, एंड बी इक्वल टू ए सेट इज ए बी, इस तरह से। या एक मैं इजी एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, देखिए सपोज ए इक्वल टू 2 4 एंड बी इक्वल टू 1 3 5, ये मैंने ऑड नंबर लिया, ये मैंने इवन नंबर लिया, ये इवन नंबर लिया, ऑड नंबर लिया। तो यहां पर जो रिलेशन है, सपोज मैं यहां पर एक रिलेशन डिफाइन करता हूं कि ए इज ग्रेटर देन बी, वेयर ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी, ए ग्रेटर देन बी। दैट मीन्स इसको हम किस तरह से लिखेंगे, आर इक्वल टू ए बी सच दैट, या दोनों को बिलोंग्स करके हम लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सेट ए का एलिमेंट है, बी सेट बी का एलिमेंट है, और सच दैट इसमें रिलेशन क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ये इसका रिलेशन है। तो यहां पर मैं एक रिलेशन कंसीडर करूं, रिलेशन बनाऊं, तो R इक्वल टू, देखिए हमको ऐसे आर्डर पेयर लेना है जिसमें A ग्रेटर देन B हो, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 1 2 1, इसके बाद 2 के साथ 3 लेंगे तो वह नहीं होगा क्योंकि 2 ग्रेटर देन 3 नहीं, 2 के साथ 5 भी नहीं होगा। अब हम 4 को लें तो हो जाएगा 4 1 4 इज ग्रेटर देन 3 बट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ये इसके रिलेशन होंगे। क्यों रिलेशन होंगे, क्योंकि जब हम ए और बी का सब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जितने हमको ऑर्डर पेयर मिलेंगे वो रिलेशन है, क्योंकि हियर ए इज ग्रेटर देन बी बट अदर इज नॉट रिलेशन। दैट मीन्स सपोज यहां पर मैं लिख दूं, इसके साथ लिख दूं 2 के साथ 5, 2 5 इज नॉट रिलेशन, ये रिलेशन नहीं होगा। क्यों रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या कहता है, ए ग्रेटर देन बी। दैट मीन्स किसी भी
इसके इस एग्जाम्पल में ए का बी के साथ रिलेशन होने के लिए जरूरी है कि जो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्या हो, ग्रेटर हो। इस तरह से हम इसको रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलेशन का मतलब ही होता है इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज आर सच दैट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या होगा, वह दोनों सेट के प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब हम सिंगल एलिमेंट पर, सिंगल सेट पर यदि हम इसका एक एग्जांपल लें तो देखिए हम किस तरह से बता सकते हैं उसको। अगेन एग्जांपल, या हम दूसरे रिलेशन के बारे में बात करें, रिलेशन ऑन ए सेट एक सेट पर रिलेशन किस तरह से हो सकता है, देखिए इफ ए इक्वल टू टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन एंड हियर आर इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए इज रिलेशन इज ए माइनस बी इक्वल टू टू। सपोज मैंने ये लिया, क्लियर, तो इट सेल्फ यहां पर क्या होगा, इसका रिलेशन खुद का खुद के साथ बनेगा। तो यहां पर जो रिलेशन बनेगा ए माइनस बी इक्वल टू टी टू, ये हम चाहते हैं कि ए माइनस बी रिलेशन आने सेट, यहां पर हमारे पास दूसरा रिलेशन नहीं है, दूसरा सेट नहीं है, तो यहां पर रिलेशन किससे बनेगा, ए क्रॉस ए से बनेगा। ए क्रॉस ए के साथ यदि मैं इसके आर्डर पेयर को काउंट करूं तो क्या हो जाएगा, पहले टू के साथ एलिमेंट बनेगा, टू का खुद के साथ में टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव, एक रिलेशन ऐसा बनेगा। नाउ नेक्स्ट कैसे बनेगा, थ्री के साथ बनेगा, थ्री 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 टू थ्री फोर एंड थ्री फाइव। फोर का कैसे बनेगा, फोर 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 टू फोर थ्री एंड फोर फाइव। नाउ फाइव इज फाइव 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 टू फाइव थ्री फाइव फोर, ये रिलेशन बनेंगे। अब देखिए हमारा रिलेशन क्या कहता है, a माइनस बी इक्वल टू टू, ये अपने पास रिलेशन है। अब इसमें आप उस ऑर्डर पेयर को सर्च करिए जहां पर फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड माइनस होने से क्या हो रहा है, टू हो रहा है। ये होगा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी 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 नहीं होगा, ये नहीं होगा। फोर माइनस टू, फोर माइनस टू इज रिलेशन। क्यों होगा, क्योंकि हमारा रिलेशन का कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड एलिमेंट को माइनस करने से क्या आना चाहिए, टू। तो फोर माइनस टू क्या आएगा, टू आएगा, क्लियर। एंड फोर थ्री, ये पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल नहीं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं, और एक रिलेशन हो जाएगा ये इस तरह से फाइव थ्री, बाकी पॉसिबल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो रिलेशन होगा वो रिलेशन हो जाएगा क्या, फोर टू एंड फाइव थ्री। तो ये रिलेशन बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए अभी मैंने दो सेट लेके बताया रिलेशन, ए सेट बी सेट ए क्रॉस बी। यहाँ पर रिलेशन आने सेट, सिंगल सेट है अपने पास, और रिलेशन क्या कहता है, ए बी बिलोंग्स टू ए, ये दोनों एलिमेंट ए और बी दोनों एलिमेंट ए को बिलोंग करते हैं, बी कोई दूसरा सेट नहीं है। ए एंड बी बोथ आर द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड इन दिस केस रिलेशन इज द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट इज टू then the cross the then the product a cross a this element and 4 to 5 3 order pair is belongs to this relation। तो relation में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब बाकी जो मैंने red box में किया है वो relation है, बाकी relation नहीं है, clear। तो ये कहलाता है relation। अब इसके हम कुछ terminology पर बात करें, relation के chapter में जो सबसे important terminology है उस पर बात करें, वो है domain range and codomain।
डोमेन, डोमेन ऑफ ए सेट देखिए, डोमेन रेंज आप फंक्शन में 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, और वहां पर हम जो फंक्शन के डोमेन रेंज फाइंड करते हैं वो अलग है, यहां पर हम सेट रिलेशन के डोमेन पर बात कर रहे हैं। रूमेन डोमेन ऑफ ए सेट रिलेशन, सपोज अपने पास एक रिलेशन है R, कोई भी एक रिलेशन है, सपोज A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड दे रिलेशन A एंड B, मैं डायरेक्ट रिलेशन को लिखता हूँ। तो सपोज अपने पास रिलेशन है कुछ ये, सपोज 1 2, सपोज 7 6, 9 4, 6 2, इस तरह के कुछ रिलेशन, सपोज 6 5, कुछ भी लिख लिया। अब इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ R, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। डोमेन ऑफ R मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, दैट मीन्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 7 9 6, 1 7 9 6 आर द डोमेन, ये इसका डोमेन हो जाएगा, क्लियर। और इसी एग्जांपल में मैं आपको रेंज बता दूं, तो रेंज किसको कहेंगे अपन, रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, क्लियर, दैट मींस 2 6 4 एंड 5, ये रेंज हो जाएगा। तो कभी भी आपको किसी रिलेशन का डोमेन निकालना है तो डोमेन क्या होगा, उसके फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट होगा, और रेंज क्या होगा, ये सेकंड एलिमेंट का। और यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है, वो है कोडोमेन। कोडोमेन दैट मींस इफ वी हैव टू सेट ए एंड बी एंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सपोज अपने पास ए एंड बी टू सेट है और एक रिलेशन है ए टू बी, इस तरह से, तो ये होता है सेट बी इज कोडोमेन। यहां पर विशेष ध्यान देंगे आप, सेट बी इज कोडोमेन मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, ए एंड बी स्टोन नॉन एम्प्टी सेट्स, सपोज अपने पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और आर एक ए से बी में रिलेशन है। ए टू बी, यहां पर बी टू ए टू बी को आप ध्यान रखना, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन सेट बी इज कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, मतलब इसका जो सेकंड नंबर का सेट होगा ए टू बी, ए से बी में रिलेशन है, तो सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे या सेट बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कोडोमेन कहलाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज होता है। देखो यही सब इस चैप्टर के प्रॉब्लम है, मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट को डोमेन क्या है नहीं पता, रेंज क्या है नहीं पता, कोडोमेन, तो उनको पूरा आगे एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ कि आज के फर्स्ट सेशन में मैं ओनली आपके फंडामेंटल क्लियर करूँगा, ये फंडामेंटल आपका क्लियर हुआ उसके बाद आपको क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर। तो दिस इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ये क्या होता है, देखिए एक एक टर्म को आप ध्यान से समझते जाइए। इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू एनी रिलेशन, सपोज ए बी किसी आर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं, सपोज इफ ए इज रिलेशन सेट ए टू बी, क्लियर, इफ ए इज रिलेशन फ्रॉम ए टू, इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, देन आर इनवर्स इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। मतलब क्या हुआ इसका, सपोज आर एक ऐसा रिलेशन है जो ए से बी में है, तो इसका जो इनवर्स रिलेशन होगा आर इनवर्स वो कैसा होगा, आर इनवर्स इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए,
जो ए टू बी रिलेशन है उसको यदि बी टू ए रिलेशन कर दें तो उसका इन्वर्स कहलाता है। दैट मीन्स आर बिलोंग्स टू ए बी देन आर इन्वर्स बिलोंग्स टू बी। इस तरह से होगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। मतलब क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है। इस तरह से इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी देन आर इनवर्स इज रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। दैट मीन्स आर, यदि आर के एलिमेंट्स क्या हो, ए बी हो, तो आर इनवर्स के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, बी एंड ए हो जाते हैं। क्लियर, ये कहलाता है इनवर्स रिलेशन। तो ये मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर ये रिलेशन के टाइप्स पर ही बेस्ड होगा। नाउ टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो बेसिकली तो हम टाइप रिलेशन के थ्री टाइप से ही अपन बेसिकली मान के चलते हैं, लेकिन मैं पूरे टाइप्स पर आपको एक बार कंप्लीट डिस्कशन करता हूं। फर्स्ट इज एम्प्टी और वाइड रिलेशन, इसको एम्प्टी या वाइड रिलेशन भी कहते हैं। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। देन वी नो दैट एम्प्टी सेट, दैट मीन्स फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी। मतलब फाई तो हर किसी का सबसेट होता है। आप इसीलिए मैं बोला कि आपको सेट थ्योरी पर रिवाइज करना चाहिए। यदि आप 11th क्लास से रिवाइज ना करें तो आप मेरे वीडियो देखिए। एम्प्टी सेट का क्या मतलब, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट, उसके पास कोई एलिमेंट है नहीं। तो यहां पर देखिए, इसको कहते हैं अपन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल सपोज ए इक्वल 1 2 3 4 एंड ए रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू 10। ये मैंने यहां पर एक रिलेशन लिखा। कैसा रिलेशन लिखा कि ए बी टू एलिमेंट्स हैं, किसके, ए के, दैट मीन्स बोथ एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, एंड ए प्लस बी इक्वल टू 10। मतलब यदि हम इसमें जितने रिलेशन निकलेंगे वो दोनों रिलेशन में भी किसी भी दो रिलेशन को जितने आर्डर पेयर निकलेंगे, इसका आर्डर पेयर अभी आपने सिखा दिया कैसे निकलेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा निकलेंगे, और वो दोनों का जो सम है उसको 10 आना चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो फाई आएगा, क्योंकि ए प्लस बी 10 हो ही नहीं सकता। इसमें से कोई दो एलिमेंट को आप ऐड करेंगे, 1 2 3 4 में से किसी भी दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसका 10 आना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट आएगा, बिकॉज इन दिस केस नो एनी आर्डर पेयर हुज सम इज 10, उसका सम 10 नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट कहलाता है। क्लियर, तो इसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। नाउ सेकंड इज, एक एक करके मैं आपको सब रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, आपको समझा रहा हूँ, और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। आप नोट डाउन भी करिए तभी आपको ये ढंग से समझ में आएगा। सेकंड इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या होता है, सपोज इस तरह से ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए इट्स सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट मीन्स ऑल सेट इज इट्सेल्फ सबसेट। ये आप सेट थ्योरी में पढ़े हैं, इट्सेल्फ सबसेट। ठीक है, ये बात हमको पता है कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सपोज अपन एक क्रॉस ए करें तो सबसेट ऑफ ये होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक सेट ले लूं ए 1 2 3, इस तरह से मैंने यहां पर
ये एक सेट लिया, अब मैं ए क्रॉस ए, यदि इसका ए क्रॉस ए निकालूं तो सबके साथ खुद का एलिमेंट निकलेगा, ये निकलेगा 1 1, क्लियर, फिर निकलेगा 1 2, फिर 1 3 एंड सो ऑन, आप उसको समझ गए। अब ए क्रॉस ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एलिमेंट्स इसके एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए के जितने एलिमेंट्स होंगे, जितने ऑर्डर पेयर होंगे, वो सब तो ए क्रॉस ए में होंगे ही, दैट मीन्स ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इस तरह का रिलेशन जिसमें कोई खुद का सबसेट हो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, क्लियर। तो एम्प्टी रिलेशन सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ थर्ड रिलेशन इज, ये आगे का जो मैं 3 रिलेशन आपको बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिए। थर्ड इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या होता है, सपोज ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट, देन ऑल एलिमेंट इज सेल्फ इमेज, यदि उनका खुद का खुद के साथ इमेज हो वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव कहलाता है, दैट मीन्स ए ए बिलोंग्स टू, या आर इज ए ए बिलोंग्स टू, अपन ए कह सकते हैं बिलोंग्स टू आर, ए ए बिलोंग्स टू आर, मतलब जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, खुद खुद के साथ में खुद खुद का एलिमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज 1 2 3 ये मैंने एक सेट लिया, देन ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, बहुत से एलिमेंट मिलेंगे, 1 1 भी मिलेगा और 1 2 भी मिलेगा, 1 3 भी मिलेगा, इसके बाद 2 2 2 1 2 3 3 3 एंड 3 1 एंड 3 2। तो यहाँ जो रिलेशन है क्या है, वो ये इसके रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, मतलब एक ऐसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ऑल एलिमेंट्स आर इट्स सेल्फ रिलेशन, खुद के साथ उसका रिलेशन हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कंडीशन में कि ये जो रिलेशन हम यहाँ पर बनाएंगे, तो रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 खुद का इमेज, मतलब उसके डोमेन और रेंज दोनों क्या हो, सेम हो, उस कंडीशन में हम रिलेशन को क्या कहेंगे, अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज, मतलब ये कंडीशन आपको यहां पर याद रखना है कि ए ए बिलोंग्स टू आर। फोर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन क्या होता है, अब कंडीशन को मैं बार बार उसको नहीं लिख रहा हूँ, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये डेफिनेशन में आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट सपोज ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, दो सेट हैं, ए ए का एलिमेंट है और बी क्या है, बी का एलिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होता है सिमेट्रिक सेट। मतलब सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, यदि ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो आर का रिलेशन है, इफ बी ए इज आल्सो एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन आर, मतलब क्या हो इसका कि यदि इसके आर्डर पेयर को चेंज कर दिया जाए, यदि ए को बी कर दिया जाए और बी को ए, मतलब उलट दिया जाए इसको, आप देख रहे हैं ए बी बिलोंग्स टू आर इफ बे इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि हियर, ये तो पूरे कंडीशन में आर एज इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये तो सभी में कंडीशन है, जहाँ पर जो आर मैं बता रहा हूँ वो सब क्या है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, क्लियर। तो देखो ध्यान से समझना, इफ ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज ए रिलेशन सच दैट
ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इफ बी ए मैट्रिक रिलेशन. क्लियर. एंड नाउ फिफ्थ इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, देखिए इसमें इस तरह से ये टू सेट हैं. यहां इस तरह से कंडीशन होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ए बी सॉरी बी सी बिलोंग्स टू आर देन इफ दैट इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी आर से रिलेशन है, बी सी का है. इफ ए सी इज आल्सो रिलेशन ऑफ आर. मतलब क्या हुआ इसका कि ए बी टू एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन के एंड बी सी टू एलिमेंट्स हैं. तो यहां पर ए और सी, क्योंकि यहां पर बी दोनों में क्या है, कॉमन है, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू आर, इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन. इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज द रिलेशन सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर. तो ये तीनों रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी रिलेशन यदि तीनों कंडीशन को फॉलो करता हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन. ये क्वेश्चन मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए आता है, सो दैट द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव आल्सो देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव हो, ये तीनों प्रॉपर्टी को जो फॉलो करेगा वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. क्लियर. तो ये है रिलेशन के इंपॉर्टेंट टाइप्स और इसको आपको ध्यान से समझना है, खासकर इन तीनों रिलेशन को बहुत अच्छे से. एक बार मैं एक मिनट पे रिवाइज कर दूं, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का रिफ्लेक्शन, मतलब उसको मैं आपको इजी लैंग्वेज बोलूं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो किसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, किसका इमेज दिखेगा, मेरा दिखेगा. दैट मीन्स खुद का खुद के साथ जो रिलेशन है वो एक तरह से ऐसा आप उसको समझ सकते हैं. ए ए बिलोंग्स टू आर. सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, तो बी ए बिलोंग्स टू आर आल्सो. एंड इन ट्रांजिटिव एलिमेंट्स रिलेशन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इफ ए एंड सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर. देखिए बिलोंग्स टू मतलब मेंबर. आप यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होंगे, यहाँ बिलोंग्स टू ए क्लास बी भी लिख सकते हैं, सबसेट भी लिख सकते हैं, बिकॉज आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्लास बी. क्योंकि रिलेशन की स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता दिया कि रिलेशन का मतलब होता है कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए इंटू बी. क्लियर. तो ये हैं रिलेशन के टाइप्स. अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल बता देता हूँ जहाँ पर मैं आपको सब कुछ निकाल के बता देता हूँ, तो जितना भी मैं अभी प्रैक्टिस कराया आपको उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, जितना भी मैं आपको पढ़ाया उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी. ये आप एग्जांपल को ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है आगे. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ क्लियर करने के लिए. एग्जांपल, इफ ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने एक सेट लिया. हियर रिलेशन आर इज ए बी बिलोंग्स टू ए सच दैट बी डिवाइड्स ए, दैट मीन्स बी अपॉन ए. क्लियर. क्या लिखा, मैं समझ में आया आपको, यहां ए एक सेट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
एंड ए बी बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ ए, ए और बी जो दोनों एलिमेंट्स लेंगे इसी सेट के एलिमेंट्स होंगे, सच दैट कैसा है बी डिवाइड्स ए, मतलब बी डिवाइड्स ए मतलब ए अपान बी होगा कि बी अपान ए होगा, क्या होना चाहिए बी डिवाइड्स ए, बी अपान ए ना, ए अपान बी, ए अपान बी ऐसा होगा, क्लियर। एक मिनट इस एग्जांपल को मैं थोड़ा इजी कर दूं, ए अपान बी जैसे मैं लिया 2 4 2 4 बी अपान ए डिवाइड से बी अपान ए, इसको आप ऐसा लिख लीजिए ए डिवाइड्स बी, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन थोड़ा समझने में इजी हो, ए डिवाइड्स बी, अब सही है ना, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी मतलब बी में ए को डिवीजन करना है। तो हमको यहां पर फाइंड करना है क्या क्या क्वेश्चन फाइंड करना है, देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, फर्स्ट फाइंड करना है रिलेशन, सेकंड फाइंड करना है सपोज डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, थर्ड सपोज अपने को फाइंड करना है रेंज, और फोर्थ इसका इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करना है, इतने क्वेश्चन अपने पास हैं। और सपोज अपने को आर इनवर्स भी फाइंड करना है, फिफ्थ पॉइंट लिख देता हूं आर इनवर्स, ये सब मैंने पढ़ाया, ये 5 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए तो सबसे पहले अपने को रिलेशन फाइंड करना है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर ए क्रॉस ए, सबसे पहले अपन ए क्रॉस ए करेंगे, क्लियर। तो ए क्रॉस ए या डायरेक्ट उसका रिलेशन को मैं आपको लिख दूं, उतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रिलेशन तो रिलेशन में हम सिर्फ वो मेंबर लेंगे जिसमें क्या हो बी डिवाइड्स ए हो। तो देखिए हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 2 3 पॉसिबल नहीं है, 2 4 पॉसिबल है क्योंकि बी में ए, 4 में 2 डिवाइड होता है, क्लियर। इसके बाद 2 6 एंड 2 8 क्लियर। नाउ 3 3 के लिए ले लें अपन, तो 3 के साथ 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, यह होता है 3 6 और 3 और कोई एलिमेंट नहीं होता तो 3 6 हो जाएगा। 4 के लिए ले लें अपन तो 4 5 6 7 में क्या हो जाएगा 4 8 होगा, क्लियर। और यदि हम किसके लिए ले लें 5 के लिए ले लें तो नहीं होगा, 6 के लिए ले लें तो नहीं होगा, 7 के लिए 8 के लिए होगा। लेकिन अब क्या है खुद का खुद के साथ तो डिवीजन होता है, तो और एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अब सबका देखो हो जाएगा 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 and 8 8 क्लियर। ये हो जाएगा बी डिवाइड ए, ए डिवाइड्स बी। तो यहां पर देखिए ये रिलेशन हो गए, क्योंकि आप पूरे पेयर में देखिए 4 में 2 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद जितने इसमें रिलेशन मिलेंगे क्रॉस बी पे वो रिलेशन नहीं होंगे, ऐसा हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। अब सपोज हमको इसका डोमेन फाइंड करना है, तो डोमेन क्या होगा देखिए, डोमेन मैंने क्या बताया था कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका सेट निकालेंगे 2, अगेन उसको लिखते नहीं एक बार लिखते हैं अपन 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये डोमेन हो जाएगा। यदि हम इसका रेंज निकालना चाहें तो रेंज क्या हो जाएगा देखिए सेकंड एलिमेंट्स मतलब 4 6 8 6 आ चुका, 8 आ चुका, 2 3 4 आ चुका, 5 भी आ चुका, नहीं 5 6 6 हो गया, 7 मतलब यहाँ पर डोमेन और रेंज सेम होंगे। आप देखिए जो जो एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ डोमेन और रेंज क्या है इक्वल है। नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन में लास्ट में चेक करूंगा, सबसे पहले आपको बता दूं मैं आर इनवर्स, ये आर इनवर्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास आर है तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा आप ऑर्डर पेयर चेंज करते जाएंगे, 2 4 है वो क्या हो जाएगा 4 2 हो जाएगा, 2 6 क्या हो जाएगा 6 2 हो जाएगा एंड सो ऑन,
इस तरह से आप पूरे रिलेशन को क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। समझ में आ गया आपको, इस तरह से कर लेंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिलेशन चेक करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये तो आपको निकाला, समझ में आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, ये रिलेशन क्या है। अब मैं इक्विवेलेंस रिलेशन को यहाँ से चेक कर रहा हूँ, तो ये साइड में इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान देंगे थोड़ा, क्योंकि एक एक करके हमको इसको चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ये भी मैंने इरेज कर दिया, इस रिलेशन का हमको जरूरत पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट चेक करने हैं अपने को। फर्स्ट अपन चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा। देखिए ये जितने एलिमेंट्स हैं सबके अपने को रिफ्लेक्सिव रिलेशन अपने को मिलना चाहिए। तो टू टू है अपने पास, टू टू है, थ्री थ्री है, मतलब सभी एलिमेंट का सेल्फ इमेज अपने को मिलना चाहिए। दैट मीन्स टू टू मिलना चाहिए, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, एट एट, तो सब है। यहाँ पर मैंने अलग से इसीलिए इसको लिखा हुआ है, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन, एट एट। तो रिफ्लेक्टिव रिलेशन मैंने बताया था कि ए ए बिलोंग्स टू आर, तो ये पूरे रिलेशन है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर। नाउ सेकंड रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या बताया था, ए बी बिलोंग्स टू बी ए। तो ए बी यहां पर देखो, एक एग्जांपल बता दूं, यहां पर टू फोर, बट फोर टू इज नॉट रिलेशन। कैसे, हमारा रिलेशन क्या कहता है, ए डिवाइड्स बी, बी में ए का कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। तो ये तो रिलेशन है टू फोर, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, यदि टू फोर रिलेशन है तो फोर टू को भी रिलेशन होना चाहिए। देखिए फोर टू रिलेशन नहीं है, आप पूरे रिलेशन में देखिए कहीं पर फोर टू नहीं, हरी बात समझ। तो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। एंड नाउ नेक्स्ट इज, मैं यहां लिखता हूं ना उसको, थर्ड रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन रिफ्लेक्सिव के बाद क्या होता है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव देन सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन होता है सिमेट्रिकली। नाउ थर्ड इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने क्या कंडीशन बताया था आपको, एक बार उसको आपको याद दिला दूं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि इफ बी अपॉन ए एंड बी में ए डिवाइड हो रहा है एंड सी अपॉन बी देन सी अपॉन ए इज आल्सो डिवाइडेड। तो होगा, ये होगा कि नहीं आप बताइए इतने रिलेशन में। या मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, बी अपॉन ए मतलब कोई भी हम रिलेशन ले लेते हैं, यहां पर बी अपॉन ए ये ले लिया मैं टू फोर, ये ले लिया। अब सी अपॉन बी, सी अपॉन बी मतलब क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है फोर एट, क्लियर फोर एट। थोड़ा ध्यान समझना, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, यहाँ पर एक यहाँ पर एक कॉमन बात क्या होता है, ये दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए। ये दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए, ए बी बी सी। तो यहाँ पर देखिए ए बी बी सी, थोड़ा ध्यान समझना, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला पूरा कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं हुआ तो फिर एक्सरसाइज तो फिर हो गया काम। यदि आज मैंने जितना पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एक्सरसाइज कुछ भी नहीं बनेगा, और यदि ये समझ में आ गया होगा तो आपको फटाफट सब बनेगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर देखिए टू फोर, फोर एट।
अब यहां पर क्या है ये, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा, आपको तो समझ में आएगा। ये है ए, ये है बी, ये है बी, ये है सी। तो हमारा रिलेशन क्या कहता है कि बी डिवाइडेड बाई ए, ठीक 4/2 डिवाइड है, सी डिवाइडेड बाई बी, सी डिवाइडेड बी 4/ ए है, देन ये होना चाहिए बोल रहा है, मतलब सी अपॉन ए होना चाहिए। तो सी क्या है अपने पास 8, ए क्या है 2, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड, 8 में 2 डिवाइड होगा, दैट मीन्स ये भी रिलेशन क्या हो गया, यस yes। तो हमने तीन चीज यहां पर चेक किया इस रिलेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, बाकी रिलेशन अगर निकालने में कुछ नहीं है। रिफ्लेक्सिव यस, सिमेट्रिक नॉट, एंड ट्रांजिटिव यस, और हमको इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने बोला था। दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि मैंने इक्विवेलेंस का आपको क्या कंडीशन बताया था, इफ द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आल्सो, देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो यहां पर हमने तीनों को बारी बारी से चेक किया, तो हमको क्या प्रॉब्लम आया कि ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, नॉट सिमेट्रिक। यदि ये सिमेट्रिक भी हो जाता तो रिलेशन क्या हो जाता, इक्विवेलेंस हो जाता। तो देखिए, मैंने आज रिलेशन का जो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक कॉन्सेप्ट को, हर चीज छोटी सी छोटी जानकारी को मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब आपको मेरा एक सजेशन है कि आप ये फंडामेंटल आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। सबसे पहले रिलेशन क्या है, रिलेशन किस तरह से फाइंड करते हैं, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सब आप अच्छे से रिवाइज करिए। और यदि आप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी के लिए मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन के वीडियो में इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थैंक यू।